नमस्ते सभी को। तो हम लोगों ने पिछले मंथली मीटिंग में समाज की जो वर्तमान स्थिति है उसका आकलन किया था और उसमें परिमार्जन कैसे हो उसके लिए कुछ कार्यक्रमों की हम लोगों ने चर्चा की थी। उसमें से कुछ बातों को हम दोहराएंगे भी और फिर उससे आगे और ले जाएंगे ताकि योजना तक बात हो सके। और पिछले सत्र में जितने उन्होंने बात की थी उसको लेकर यदि आपके कोई प्रश्न बनते हो तो उसमें भी चर्चा होगी। तो हम लोग विगत कुछ महीनों से समाज व्यवस्था को लेकर चर्चा करते रहे हैं। इसी क्रम में हमने मानव लक्ष्य को विस्तार से समझने का प्रयास किया था, फिर मानव लक्ष्य को पूरा करने के लिए समाज के जो भिन्न भिन्न आयाम है उस पर चर्चा की थी। अब उसके आगे हम एक योजना क्रम में कैसे जा सकते हैं उस पर बात करने वाले हैं। इसमें भी आप पाएंगे कि कुछ चर्चा पहले हो चुकी है, कुछ चीजों को और हम लोग ऐड करेंगे इसमें। तो मानव लक्ष्य के रूप में ये दिखाई देता है कि हर व्यक्ति में समाधान हो ताकि हर व्यक्ति सुखपूर्वक जी पाए, हर परिवार में समृद्धि हो, समाज में परस्पर अभय हो, विश्वास हो और प्रकृति के साथ जुड़कर हमारा इस प्रकार से जीना हो कि प्रकृति में सहस्तित्व हो। इसको पूरा करने जाते हैं तो प्रायोरिटी के रूप में दिखता है कि समाधान पहली वरीयता है। समाधान के लिए काम करते हैं तभी सुविधा की आवश्यकता की ठीक से पहचान हो पाती है और हम उसको निश्चित विधि के द्वारा पूरा करके समृद्ध हो पाते हैं। और जब हम समाधान और समृद्धि के साथ जीते हैं तभी हम जाकर समाज में अभय स्थापित कर पाते हैं और फिर शेष प्रकृति के साथ भी ठीक ठीक जी पाते हैं। मुझे लगता है इस बात को हम सभी देख पा रहे हैं। इसको लेकर यदि कोई रिफ्लेक्शन हो तो आप लिख सकते हैं कि ये क्रम ठीक है। समाधान, समाधान से समृद्धि, समाधान समृद्धि से अभय और इन तीनों के साथ फिर सहस्तित्व। ये बात ठीक है कहना, ये क्रम ठीक है जी। इसको पूरा करने जाते हैं तो पांच आयाम दिखाई देते हैं, शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य, न्याय सुरक्षा, विनिमय कोष। और इनको हम आपस में रिलेट भी कर पाते हैं कि कैसे आयाम इस लक्ष्य से जुड़े हुए हैं। इस पर हमने एक एक आयाम पे बात की और उसमें ये निकल कर आया कि जो शिक्षा संस्कार का आयाम है वो इसकी नींव है, समाज की व्यवस्था की नींव है, आधार है, इसलिए इसको फाउंडेशनल सिस्टम कहा। अगर हम ऐसा नहीं पूरा कर पाते हैं तो अभी जो वर्तमान की स्थिति बनी हुई है हम इन उलझनों में, परेशानियों में, दुख में ना उलझ जाते हैं। तो समाधान के स्थान पर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हो गई समाज में, समृद्धि के स्थान पर सुविधा संग्रह भोग का काम चल रहा है, अभय के स्थान पर देखें तो कैसे हम एक दूसरे पर डोमिनेट कर सकें, एक्सप्लॉयट कर सकें, है ना, या तो हम भयभीत कर सकें या भय से निबट सकें, इसके लिए बहुत सारा योजना कार्यक्रम चल रहा है। और प्रकृति को दोहन शोषण करने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हमने बना ली हैं। फल परिणाम ये है कि हम बहुत सारे उन्मादों में फंस गए हैं, युद्ध कर रहे हैं, आतंक फैल रहा है ना, प्रकृति छीन होती जा रही है, इस तरह का एक दृश्य दिखाई देता है अभी समाज में जिससे हम निकलना चाहते हैं। तो उसको लेकर जब हमने पिछली बार बात की थी तो ये निकल कर आया कि दो तरह के अप्रोच हो सकते हैं, प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच और सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच। इस पर यदि कोई कुछ कहना चाहे कि प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच किसे कहेंगे और सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच किसको कहेंगे तो आप हैंड रेज करके कुछ शेयर कर सकते हैं। जैसे हम अगर समस्या पे फोकस होकर कोई काम कर रहे हैं और फिर समाधान निकाल रहे हैं तो प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है, बट यदि हमारे अंदर एक समग्रता की दृष्टि है और उसके लिए हम अनवरत काम कर रहे हैं, ठीक, फिर समय समय पर जो समस्याएं आ रही उनका निराकरण भी कर रहे हैं तो ये सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच है। जब प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच को लेकर चलते हैं तो प्रॉब्लम केंद्र में रहता है, कोई प्रॉब्लम आई और फिर हम उसका निराकरण करने गए, जब जब प्रॉब्लम आती है तब हम निराकरण करने जाते हैं। तो इस दोनों अप्रोचेज में आपको एक अंतर दिखाई देगा। एक तो ये होता है कि प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच जो होता है प्रॉब्लम पर केंद्रित रहता है तो अपने आप में तनाव परेशानी का कारण बना रहता है, दूसरा हमेशा ही ये फ्रेगमेंटेड रहता है, टुकड़ों में रहता है, कोई होलिस्टिक पर्सपेक्टिव निकल कर नहीं आता इससे, हम समग्रता को नहीं देख पाते, एक एक भाग पे काम कर रहे होते हैं, उसमें उलझ रहे होते हैं। पर जब सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच लेके चलते हैं तो हमको समग्रता का पता होता है, तो स्वयं से लेकर संपूर्ण स्थिति की व्यवस्था कैसी हो ये बात हमको अगर स्पष्ट रहे और फिर जिस भी स्तर पर समस्या आती है उसको हम निराकरण कर पाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा अप्रोच ठीक है, प्रॉब्लम सेंट्रिक या सोल्यूशन सेंट्रिक, क्या कहेंगे जी? इस पर कोई रिफ्लेक्शन देना चाहे तो दे सकते हैं। दीनदयाल जी,
आपका हैंड रेज्ड है, सॉल्यूशन सेंट्रिक। जी दीनदयाल जी, प्रभात यादव जी। हाँ भैया नमस्ते, सबको नमस्ते। जब से ये मैंने ज्वाइन किया है तो इससे पहले की घटना में क्या होता था कि घटनाओं को लेके फिर विरोध के भाव में जाके हम सोल्यूशन ढूंढते थे तो वो स्थिर नहीं रहता था। लेकिन जैसे जैसे मेरा एक्सप्लोरेशन सेल्फ एक्सप्लोरेशन बढ़ रहा है तो अब मैं घटनाओं को ना कोई भी मतलब जो मेरा सह स्वीकृति है संबंध के रूप में तो मैंने अपनी सोसाइटी में ही पाया। तो मेरा आचरण निश्चित था और मैं संबंधी के रूप में देख पा रहा था तो जो लोग भी मेरे विरोध में थे वो मैंने देखा कि एक साल डेढ़ साल बाद वो मुझसे आके मिले, मुझसे हाथ मिलाए और बोले कि भाई आप सही बोल रहे थे, उसके लिए थैंक यू ये सब। तो मैं जब इसको संबंधी के रूप में कुछ करने जाता हूँ तो भले ही शुरू में किसी का विरोध हो लेकिन जब मैं अपने को स्थिर पाता हूँ उस संबंध के रूप में तो मैं देख पाता हूँ कि मेरे जो संबंध हैं वो आगे चल के और मधुर होते हैं। तो सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच ही एक कारगर उपाय है। बहुत बढ़िया भैया जी। धीरेन्द्र मिश्रा जी। हाँ नमस्ते सभी को। जी नमस्ते। मैंने यूएचबी वन सेशन अटेंड किया पूरा और उसमें जो मुझे समझ में आया कि अगर हम सभी के साथ एक संबंध स्थापित करें और उस निस्वार्थ संबंध के माध्यम से अगर हम किसी समस्या की तरफ देखें तो हम हमेशा सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच ही फॉलो करेंगे क्योंकि उस समस्या से जूझ रहे और जितने भी लोग हैं, जितने भी परिस्थितियां हैं, सब में मेरे ही भाई, मेरे ही बहन, मेरे ही बच्चे, मेरे ही लोग हैं। जब वो रिलेशनशिप वहाँ दिखाई देती है तब हम हमेशा समस्याओं को हल करने के लिए सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच ही इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर एम्पैथी होती है, स्वीकार होता है, संबंध होता है, प्यार होता है और एक दूसरे की गलतियों को स्वीकार करके फिर उसको सॉल्यूशन निकालने का प्रयत्न होता है जहाँ पर तकरार ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन जब हम प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच में जाते हैं तो वहाँ पर संबंध को फोकस नहीं होता जबकि हम प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं जिसकी वजह से संबंध न होने की वजह से एम्पैथी कम होती है, सिंपैथी कम होती है, एक दूसरे को स्वीकार करके चलने के बजाय हम समस्याओं पर इतना उलझ जाते हैं कि सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलता बल्कि वहाँ पर ईगोस क्लैश होते हैं और लोगों को अपनी अपनी भावनाओं का बहुत ध्यान देने की कोशिश करनी पड़ती है जिसकी वजह से लड़ाइयाँ ज़्यादा होती। बढ़िया भैया, बहुत सुंदर। कई बार ये भी होता है कि एक प्रॉब्लम सुलझाने जाते हैं दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। बिल्कुल सही जी, धन्यवाद मौका देने के लिए। धन्यवाद मदन सिंह जी। हाँ कुमार सुंदर जी, एक बार फिर नमस्कार सर जी। नमस्ते। हाँ सर, मैं इसमें जो आपने ये प्रॉब्लम्स का बताया कि सॉल्यूशंस कैसे करना, दो अप्रोचेस दिए, प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच और सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच, तो इसमें ही मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ कि अगर जैसे मान के चलो कोई भी प्रॉब्लम अगर प्लेस से रिलेटेड है, ठीक है सर, कोई भी प्रॉब्लम किसी प्लेस में हुआ है, सपोज कोई एक्सीडेंट हो गया किसी एरिया में, है ना, जी। तो उसमें हम प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच लेंगे या सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच लेंगे, इस पे थोड़ा सा विचार आपका जो है विचार चाहिए सर जी। तो अगर एक्सीडेंट हो गया यानी प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गया, हाँ यस ना, तो प्रॉब्लम के निराकरण के लिए काम करेंगे, बट हमारा कार्यक्रम वहां नहीं रुकता है जब हम सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच लेते हैं। तो हम इस बात को ध्यान देंगे कि मनुष्य का एक्सीडेंट होता क्यों है, ठीक, इसका हम पूरा समाधान निकालेंगे। तो उसमें आपको दिखाई देगा कि कई बार हम जब एक्सीडेंट करते हैं तो उसमें हमारी गलती तो होती ही है और उसमें हम कई बार आवेश में होते हैं तभी हमारा एक्सीडेंट होता है। तो एक सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच को लेकर चलेंगे तो हम इस बात को देख पाते हैं कि व्यक्ति के अंदर जब तक समाधान नहीं है एक्सीडेंट कर ही सकता है, वो एक्सीडेंट सड़क पे भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, व्यवहार में हो सकता है, कार्य में हो सकता है ना, हो ही सकता है। तो हम पूरे समाधान के लिए काम करेंगे। तो अगर व्यक्ति अपने आप में आवेश में नहीं है, शांत है, तो बहुत कम संभावना है कि एक्सीडेंट हो जाए। उसमें यही होता है कि मेरे अंदर आवेश नहीं है, अगले व्यक्ति के अंदर आवेश है। तो अगर किसी के अंदर आवेश बचा हुआ नहीं है तो ऐसी संभावनाएं बनेंगी ही नहीं, है ना। और समाधान के साथ हम प्रकृति की व्यवस्था को भी जब ठीक ठीक देख पाते हैं तो उसके अनुरूप कार्यक्रम बनाते हैं।
अगर हम सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच लेकर चलेंगे तो हम व्यक्ति में समाधान सुनिश्चित के लिए हर क्षण क्रियाशील रहेंगे, उसके साथ ये जो घटनाएं होती हैं उनका भी ध्यान रखेंगे। अभी भी आप थोड़ा अगर देखें कि जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, अभी जो मेजर एक्सीडेंट्स का न्यूज आता है 140 किलोमीटर 210 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं भाई? ये जो हमने बहुत तेज गति से गाड़ी चलाई सड़क पे और समय बचा लिया, उस समय का हमने क्या किया, सदुपयोग किया दुरुपयोग किया, ये बात स्पष्ट नहीं है। इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हैं, है ना, खुद भी एक्सीडेंट कर रहे हैं और दूसरों को भी खतरा बना रहे हैं। जो बाइक पे एक्सीडेंट हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, अपने को दिखता है कि लोग समय का सदुपयोग कैसे हो ये समझ नहीं पाते हैं। तो सड़क पे तो बहुत सारा समय बचाते हैं और घर पहुंच के व्यर्थ गंवाते हैं, ऑफिस पहुंच के व्यर्थ गंवाते हैं, घंटों घंटों हम निरर्थक चर्चा करते हैं, सड़क पे हम 5 मिनट बचाने के लिए एक्सीडेंट कर डालते हैं। तो ये हमको दिखता है कि इसका समाधान तो ये है कि लोग अपने आप में आश्वस्त रहें, तृप्त रहें, सुखी रहें, तो ये सब घटनाएं होंगी ही नहीं। हम दूसरा व्यक्ति गलती कर सकता है, इसको हम ध्यान में रखकर ही गाड़ी चलाते हैं और अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करते। तो जब सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच लेके चलते हैं तो हम व्यक्ति ऊपर काम करते हैं, व्यक्ति में समाधान के ऊपर काम करते हैं, है ना। अब इतनी जो भगदड़ समाज में क्यों है, क्योंकि लोगों को सुविधा की आवश्यकता स्पष्ट नहीं है, या जहां जी रहे हैं वहां न्याय सुनिश्चित नहीं हो रहा है। तो शहरों में इतने लोग क्यों हो गए हैं कि सड़कों पर इतने सारे लोगों को आना जाना पड़ रहा है, और गांव के सड़क भी वीरान पड़े हैं, वहां कोई आने जाने वाला नहीं है, निर्जन हो गए हैं। हम ये भी देखते हैं कि अल्टीमेटली इतने सारे लोग गांव से निकलकर शहर क्यों आ रहे हैं, क्यों गांव में उनको सुलभता नहीं है, क्यों गांव में उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही, उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा, उसके लिए काम करेंगे। तो ये जो बहुत सारा माइग्रेशन है ना, वो भी उससे नियंत्रित होता है। तो अगर गांव में रहते हुए हमारे शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग की व्यवस्था हो जाए, तो हम जब गांव से निकलेंगे भी तो समाज की व्यवस्था में भागीदारी के लिए निकलेंगे, न कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निकलेंगे। अब हम समग्रता के साथ सोचते हैं तो हमको परिवार से लेकर विश्व परिवार की व्यवस्था कैसी हो वो स्पष्ट समझ में आता है, और उसके लिए हम क्रियाशील रहते हैं। फिर उसके क्रम में कहीं कोई अगर घटना दुर्घटना हो गई तो उसका समाधान भी दे पाते हैं। तो अगर कोई दुर्घटना हो गई है, उस क्षण हमें क्या करना है, संबंध के भाव के साथ, व्यवस्था के भाव के साथ, उसको भी हम तय कर पाते हैं। और ऐसी घटनाएं ही ना हो, उसकी दृष्टि हमारी बनी रहती है। अभी क्या होता है कि कोई एक्सीडेंट भी हो जाए ना, तो 2 लोग तो उठाने जाते हैं, 4 लोग वीडियो बनाते हैं कि नहीं। तो समाधान के साथ सोचते हैं, सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच से सोचते हैं, तो फिर हमें पूरी बात समझ में आती है। जी ठीक है, बात मदन जी। थैंक यू सर, समझ में आ गया सर, मैं भी खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ जी, तो इसलिए क्वेश्चंस पूछ लिए और मैं भी इसमें और एक्सप्लोर कर रहा हूँ सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छी तरह बढ़िया बढ़िया भैया। अमोल जी धन्यवाद भैया। और एक प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच के बारे में और एक चीज ऐसी लगती है कि कई बार वो देखने प्रॉब्लम ही देखने लग जाते हैं हम कोई भी सिचुएशन में, और कई बार अपने पास क्या नहीं है इस पे ध्यान जाता है, क्या है इस पे ध्यान जाने के अच्छा मतलब बगैर, और कितना भी अच्छा हो हाँ तो वो भी एक हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि समाधान केंद्रित ये जरूरी है जी, नहीं तो वो छिद्रान्वेषी बुद्धि जो रहती है वो जी 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 एक बात है जी जी। और जहां तो पे हम भैया जहां पे हम लक्ष्य देते हैं वो अपने लाइफ में ग्रो हो जाता है ना, मतलब जहां पे ध्यान जाता है। तो हम अगर प्रॉब्लम्स पे ज्यादा ध्यान दे जाए और वही पे अटके रहे जी, तो शायद प्रॉब्लम बढ़ते लगेंगे, मतलब बिल्कुल जी जी। कुछ प्रश्न भी हैं तो मैं उसको ब्रीफली रिस्पॉन्ड करता हूँ चैट बॉक्स में। तो उदाहरण लें अगर, तो अगर हम प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच से चलते हैं तो शरीर में बीमारी हो गई, उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम कुछ प्रयास करते हैं। तो हमें डायबिटीज हो गया तो डायबिटीज को ठीक करना है, बीपी बढ़ गया बीपी को ठीक करना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया कोलेस्ट्रॉल को ठीक करना है, आदि आदि, है ना, ये प्रॉब्लम सेंट्रिक हुआ। सॉल्यूशन सेंट्रिक के साथ देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे अंदर संयम का भाव कैसे सुनिश्चित हो, हम उसके लिए काम करते हैं। तो हम अपने आप में संयम का भाव सुनिश्चित करते हैं, तो डायबिटीज हुआ ही कैसे, क्योंकि हमने शरीर के रख रखाव में कुछ चूक की होगी, मतलब अगर जेनेटिक है तो एक अलग बात है, परंतु यदि हमने कोई शरीर के रख रखाव में चूक की है तभी ये बीमारी हुई होगी। ये बीपी कैसे बढ़ गया, हम तनाव में जी रहे होंगे तभी बीपी बढ़ गया,
कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है, तो खान पान में गलती है या फिर बहुत तनाव परेशानी है। तो अगर हम एक उदाहरण लें शरीर के स्वास्थ्य का भी, तो स्वास्थ्य के लिए समग्र दृष्टि बनना सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच है, ठीक। और कोई बीमारी हो गई उसका इलाज कराने के लिए उपाय ढूंढना प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है। तो हम कई बार पाएंगे कि हम अपने जीने का पूरा तरीका ही वैसे बनाते हैं कि प्रॉब्लम ही केंद्र में रहता है, कि भाई हमको वहां रहना है जहाँ पे नियर बाई बड़े हॉस्पिटल्स हों, ताकि जब भी कोई बीमारी हो हम दौड़ के पहुंच सकें। हम इसके लिए योजना नहीं बनाते कि हम ऐसी जगह रहें जहाँ खुली हवा में सांस ले सकें, अच्छा वातावरण हो, शरीर का हम ठीक से ध्यान रख सकें, ठीक अच्छी चीजें उगा सकें, खा सकें, ताकि शरीर सहज रूप से स्वस्थ बना रहे। तो अगर हम सॉल्यूशन सेंटर के साथ सोचेंगे तो हम ऐसी योजनाओं पर काम करेंगे ताकि लोग संयम के भाव को ठीक ठीक निर्वाह में ला सकें। प्रॉब्लम के साथ सोचेंगे तो हम हर जगह बड़े से बड़े हॉस्पिटल बनाने की सोचेंगे ताकि लोग दौड़ के 5 मिनट हॉस्पिटल पहुंच सके। अब ये दोनों बिल्कुल अलग अप्रोच है, बात स्पष्ट हो रही है? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जी। बढ़िया भैया, जेपी आनंद जी। हेलो भैया, नमस्कार जी। नमस्ते। मेरा ये मानना है कि एक प्रोसेस ऐसा भी होना चाहिए, प्रॉब्लम कम सॉल्यूशन। क्या होता है कि सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच हम अपनाते हैं तो आगे चल के सॉल्यूशन याद रहता, प्रॉब्लम याद नहीं रहती। तो हम ऐसा एक नीति अपनाएं कि जो प्रॉब्लम है उसको हमेशा अंडरस्टैंड करते हैं, समझते रहें, ताकि भविष्य में वो प्रॉब्लम वैसी आए नहीं आए, तो एक तरह से वो हमको याद रहेगी और हम उसके लिए उस रिस्क फैक्टर को पहले से दूर कर सकते हैं। ये ऐसा मेरा मानना था कि ये दोनों ही नीतियां साथ साथ चलेंगी तो एक शायद और सुविधाजनक रहेगा। जी ठीक बात है, तो दोनों के लिए हम काम करेंगे। इनफैक्ट हम जो सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच लेके चलते हैं तो उसमें 4 स्टेप्स दिखाए। जी जी। और एक जो आपने पीपीटी दिखाया था जो ह्यूमन गोल का, वो फिर से दिखा सकते हैं क्या, वो जो पहला पेज था बाद में टाइम स्वयं में दूसरों में समाधान, उसके लिए प्रयास हम करते रहते हैं। थैंक यू। उसके साथ जो भी समस्याएं आती हैं सामयिक रूप से उसकी हम समीक्षा करते हैं, ये समस्या आ गई अब क्या करना है, फिर समस्या का निराकरण करने के लिए प्रयास करते हैं। तो जब प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच लेके चलते हैं तो पहला दोनों छूट जाता है कि समाधान और समाधान के लिए प्रयास, सिर्फ हम समस्या की समीक्षाएं करते रहते हैं वो भी उल्टी पुल्टी, और उसका निराकरण करने में लग जाते हैं, और एक समस्या का निराकरण करते हैं और दूसरी समस्या हम पैदा कर देते हैं कि नहीं। अब जैसे ये हुआ कि भाई पौधे लगाए जाएं अधिक से अधिक ताकि हवा शुद्ध हो, तो हमने पौधे लगाने शुरू किए। अब कोई पौधा काट ले रहा है, अब क्या करें इस व्यक्ति का जो पौधा काट ले रहा है, उस पर तो हमारा ध्यान है नहीं, हम उसको मना करते हैं, नहीं मानता, झगड़ा करते हैं, फिर झगड़ा बढ़ते बढ़ते युद्ध में चला जाता है। काम चले थे कि अधिक से अधिक हम पेड़ लगा पाए ताकि वातावरण शुद्ध हो, और कहां हम झगड़े में उलझ गए। तो अगर हम मानव के समझ के लिए काम नहीं करेंगे, कोई भी हम योजना बनाते हैं कहीं ना कहीं वो बीच में फंस जाता है, ये कठिनाई है। जी बढ़िया भैया, ये ठीक है जी। थैंक यू। धीरेन्द्र मिश्रा जी। नमस्ते भैया। नमस्ते। अभी सुनते सुनते एक बात ऐसे ध्यान में आई कि श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक याद आया कि जिसमें भगवान कहते हैं प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवायो न विद्यते अर्थात कोई भी समस्या इस दुनिया में है ही नहीं, समस्या ही है ही नहीं। ये जो अप्रोच शुरू हो खड़ा होता है व्यक्ति के अंदर, वो तब हो सकता है जबकि वो देने वाले के हाथ पर विश्वास रखता है हर, और वो विश्वास रखता है कि मुझे जो भी परिस्थिति निर्माण हुई है वो सारी परिस्थितियाँ मेरे विकास के लिए है, और उस विकास के लिए दी गई परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में मुझे अच्छे से अच्छा कैसे जीना है, उसमें किस तरह से हमें और बढ़िया तरीके से मेरे मन के मजबूतता को बनाए रखना है, मुझे समाज में ऐक्य बनाए रखना है, अपने अंदर ऐक्य बनाए रखना है, अपने परिस्थितियों में ऐक्य बनाए रखना है, और सभी के साथ में शांतिपूर्ण व्यवहार कैसे बनाए रखना है। इन सारी चीजों के ऊपर जब हम मन बुद्धि चित्त अहंकार सभी को साथ में लेकर कोहेसिवली निर्णय लेने का प्रयत्न करते हैं, तो उस समय मेरा प्रॉब्लम पर भी प्यार होता है, सोल्यूशन पर भी प्यार होता है, क्योंकि प्रॉब्लम मेरे विकास के लिए आया है,
और हमारे समाज के विकास के लिए आया है, तो हम पॉजिटिव दृष्टिकोण से उसकी तरफ देखते हैं तो सॉल्यूशन निकालना आसान हो जाता है। तो ये इस अप्रोच से जाए तो वो सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच, जैसे आपने कहा, वो यहाँ पर चरितार्थ होता है। थोड़ी सी भिन्न बात हुई है, आपका जो कहना है वो ये है कि हम प्रॉब्लम को एक अवसर के रूप में लें अपने विकास के लिए, है ना? ठीक है, ये भी हम इसको जोड़ सकते हैं उसमें, परंतु जो सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच है उससे और बड़ी बात है कि हम हर क्षण अपने में ज्ञान समाधान के लिए क्रियाशील हैं, दूसरे में ज्ञान समाधान के लिए क्रियाशील हैं, फिर जो सामूहिक रूप से समस्याएं आ रही हैं उसका हम निराकरण कर रहे हैं, और ये हम कह सकते हैं कि मेरे स्वयं मूल्यांकन के लिए समस्याएं मुझे अवसर दे रही है, तो ठीक है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। परंतु अल्टीमेटली मुद्दा यह है कि जितना फैल कर मैं भागीदारी करता हूँ उतना मुझे स्वयं के विकास का अवसर मिलता है, उसमें समस्याएं भी आ सकती हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जब हम एक सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच लेकर चलते हैं तो हमको स्वयं में कोई समस्या नहीं दिखती, बाहर हो सकता है और बाहर भी घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है ना, और उसमें मुझे अपनी भागीदारी स्पष्ट करनी होती है, ना ही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया भैया। तो इस सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच को लेकर जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें अगर देखें तो समग्र अस्तित्व के बारे में और मानव के अस्तित्व के बारे में समझ विकसित करने का काम हो रहा है, और उसको अगर हम देखें तो हम लोग अपने गोल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसी क्रम में हम समाज में इस लक्ष्य को कैसे पूरा करें, मानव लक्ष्य कैसे पूरा करें, उसके भिन्न भिन्न आयामों पर काम कर रहे हैं। अभी हम सभी साथी मुख्य रूप से जिस आयाम पे काम कर रहे हैं शिक्षा संस्कार का आयाम है, उसको केंद्र में रखकर बात करेंगे। जो अभी तक मीटिंग्स की हमने हमने समाज के हर आयाम पे बात की है, इसको हमने पहले भी कहा। तो अगर एक ह्यूमन सोसाइटी के भिन्न भिन्न डायमेंशंस को देखें तो शिक्षा के आयाम और स्वास्थ्य के आयाम से ये होता है कि हमारा तन और मन, इनका स्वस्थ होना सुनिश्चित होता है, हमारा तन और मन स्वस्थ होता है। जब हम न्याय के आयाम पे बात करते हैं, उसके लिए योजना कार्यक्रम बनाते हैं तो संबंध पूर्वक कैसे जिया जाए इसकी स्पष्टता बनती है और हमारे संबंधों में परिमार्जन शुरू हो जाता है, परिवार में, परिवार परिवार के बीच, है ना, संबंधों में जहां भी हम काम करें अपने वर्क प्लेस पे हमारा एक परिमार्जन शुरू होता है, क्योंकि अब हम भाव को केंद्र में रखकर व्यवहार कर रहे हैं, न कि एक दूसरे से अपेक्षा को रखकर। वैसे ही अगर देखें तो उत्पादन, सेवा, विनिमय, सदुपयोग, सुरक्षा, इन सब आयामों पर काम करते हुए जो सुविधा की आवश्यकता है उसको ठीक ठीक हम पहचान भी पाते हैं, उसको हम पूरा भी कर पाते हैं और खुद भी समृद्ध हो पाते हैं, प्रकृति को भी समृद्ध बना पाते हैं, तो हम स्वयं में भी अपने आप में एक विकास कर पाते हैं, संबंधों में विकास कर पाते हैं और परस्पर पूरकता को भी प्रकृति के साथ जुड़ के हम ठीक से निर्वाह कर पाते हैं। तो ये सारे आयाम हैं जो समाज में अभी भी हैं, उनमें बस इतना ही है कि गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है, और ऐसा भी नहीं कि अभी जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ भी सार्थक नहीं है, बहुत सारा कुछ सार्थक है। वो जो जो कुछ भी अभी सार्थक हो रहा है उसको भी पूरा करने में कई पीढ़ियां लगी हैं, उन सबके प्रति कृतज्ञता का भाव है। जो कुछ शेष रह गया उसको पूरा करने की जरूरत है। तो कुछ आयाम जिसपे अभी हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया, एक है सेवा का आयाम। तो हम लोगों ने जो 5 आयामों पर बात की थी उनको आपस में अगर हम कनेक्ट करें तो सेवा का आयाम एक जुड़ता है। सेवा का आयाम क्या है इसको अगर हम ब्रीफली देखें तो भिन्न भिन्न आयामों में काम करते हुए हमारे कुछ ऐसी भागीदारी भी होती है जिसमें न तो सुविधा का उत्पादन हो रहा है न लेन देन हो रहा है, परंतु उससे वो आयाम बेहतर ढंग से काम कर पा रहे हैं। तो जैसे अगर देखें तो 3 तरह की सेवाएं दिखाई देती हैं समाज में जो विधिवत रूप से चल भी रही है, और उसमें अगर कहीं लगता है कि हमको इंटरवीन करना है, उसमें परिमार्जन करना है, तो उसके लिए भी हम योजना बना सकते हैं। जैसे लंगर की एक व्यवस्था है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी परिवार में भोजन का भाव है, ठीक है ना, तो व्यक्ति भूखे तो नहीं रहेगा, और ये लोग खुद अपने उत्पादन का एक हिस्सा ऐसे जगहों पर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि परिवारों में या किसी समाज के किसी भाग में भोजन का भाव ना हो, लोगों की भोजन की आवश्यकता पूरी हो जाए, और ये लोग समान रूप से करते हैं। इसमें आप देखेंगे तो जो फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कोई रोल नहीं है, है ना, ऐसे बहुत सारे तंत्र चल रहे हैं आज के दिन भी। इसी तरह से देखें तो बहुत सारे पर्व त्योहार हम मनाते हैं जिसमें हम साथ साथ जुड़ते हैं, तो भी एक सेवा के रूप में काम करता है, संबंधों को जोड़ने का काम करता है।
दूसरी तरह से देखें तो ट्रस्ट हैं, एनजीओ हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए गए हैं। आज के दिन देखें तो बहुत सारे ट्रस्ट और एनजीओ काम करें। इनफैक्ट शिक्षा के जितने भी कॉलेजेज हैं आप देखें तो सारे ट्रस्ट के अंडर स्टैब्लिश होते हैं, क्योंकि अभी भी ये स्वीकृति है कि शिक्षा धनोपार्जन का साधन नहीं है। तो जितने भी शिक्षा के संस्थान हैं सभी किसी ना किसी ट्रस्ट के अंदर आते हैं। फिर एनजीओ हैं, जितने यूनिवर्सिटीज हैं ना वो भी ट्रस्ट के अंदर आते हैं। फिर बहुत सारे एनजीओ हैं जो काम कर रहे हैं, कहीं पे कोई प्राकृतिक आपदा हो जाती है तो वहाँ पहुँच जाते हैं, कोई बीमारी फैल गई तो वहाँ पहुँच जाते हैं, या समाज का कोई वर्ग है जिसको न्याय सुनिश्चित नहीं हो रहा, जिसकी परिवार की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही, किसी का कोई हिस्सा है जो छीन हो रहा है, खराब हो रहा है, तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तंत्र आज के दिन भी काम कर रहे हैं जो एक तरह से इनफॉर्मली काम कर रहे हैं। लोगों ने खुद अपने उत्साह से उनको तैयार किया है और फॉर्मल सिस्टम का उसमें सहयोग जरूर रहता है पर उनको कोई डायरेक्ट रोल नहीं रहता। तो ऐसे तंत्र आज के दिन भी काम कर रहे हैं। इतना जरूर है कि इसमें फॉर्मल सिस्टम का एक अप्रूवल हमको लेना होता है, परंतु काम तो सारा अपने उत्साह अपनी प्रेरणा से ही होता है और इसमें समाज के द्वारा और सरकार के द्वारा दोनों तरफ से, यानी प्रशासन के द्वारा और समाज के द्वारा दोनों तरफ से आर्थिक सहयोग भी मिलता है। तो ये एक दूसरा भाग है सेवा का। तीसरा भाग है जिसमें जो सारे तंत्र को आपस में जोड़कर चलाने का काम है ना, जो समाज में व्यवस्था को जब सुनिश्चित करने जाते हैं तो भिन्न भिन्न आयामों को आपस में कनेक्ट करने का काम है, एक दूसरे तक सूचना पहुंचाने का काम है, कोऑर्डिनेशन का काम है, ये भी एक तंत्र है। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जैसे आते हैं, इसको हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं, सरकार कहते हैं। इसका सही स्वरूप क्या होगा, ये जो हम समाज की व्यवस्था के बारे में जब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो और ज़्यादा स्पष्ट होता है कि दस सोपानीय व्यवस्था से कैसे तो प्रशासन की सही व्यवस्था भी निकल कर आती है। तो ये जो सेवा की प्रशासनिक सेवा है, इसका इसकी जिम्मेदारी ये है कि जो समाज के भिन्न भिन्न आयाम है तो कैसे जुड़कर आपस में ठीक ठीक काम करें, जो उनका लक्ष्य है वो पूरा होता है, जिन लोगों के लिए काम करें उन लोग उनसे उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर पाए। और इन तीनों ही तरह के सेवाओं का समाज में बहुत महत्वपूर्ण रोल है ना, पहला दूसरा और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इतना ही है कि अगर हम इस बात को देख पाए कि ये जो सेवा है इसका प्रयोजन लाभ कमाना नहीं है, दूसरे का शोषण करना नहीं है या पद से सम्मान पाना नहीं है, परंतु इसका प्रयोजन तो यह है कि समाज में व्यवस्था बनी रहे, तो हम खुद ही प्रेरित होते हैं इसको करने के लिए और हम दूसरों को प्रेरित कर पाते हैं। अगर हम अभी भी देखें तो जिस तरह से पूरे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का कार्यक्रम चल रहा है तो हम में से कोई व्यक्ति उसके लिए कोई रेमुनरेशन या कोई लाभ नहीं ले रहा है ना, और सभी लोग अपना समय भी लगा रहे हैं कि नहीं। तो एक सेवा के रूप में ये भी चल रहा है, जो शिक्षा का पूरा काम अभी चल रहा है एक सेवा के रूप में चल रहा है। तो बहुत सारे काम है जो इनफॉर्मल तरीके से चल रहे हैं, उसके लिए हमने कोई अलग से ट्रस्ट भी नहीं बनाया, एनजीओ नहीं बनाया, परंतु एक यूएचवी टीम के रूप में हम सभी काम कर रहे हैं। तो समाज में ये परंपरा पहले से ही रही है पीढ़ी दर पीढ़ी और उसके लिए काम होता रहा है जी। इतने बात को लेकर यदि कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, मुझे जो रेज्ड हैंड्स है उन्हें दिखाई दे रहे हैं। आप लोग या तो माइक पास ऑन कर दे, मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही है जी? जी तो अटेंडीज में जिनका हैंड रेज्ड है वो नाम मुझे नहीं दिखाई दे रहे अभी। जी भैया किन्हीं का हैंड रेज्ड है क्या? परीक्षित भैया दिख रहा है लेकिन एक काउंट दिखा रहा है बस। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। धीरेन्द्र जी का हैंड रेज हुआ अभी, धीरेन्द्र मिश्रा जी। नमस्ते भाई जी। धीरेन्द्र नमस्ते जी। ये तीनों तरह के जो सर्विसेज सेवा भाव आपने बताए बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया, बसरते बस यही बात है कि ये सभी सेवाएं अगर निस्वार्थ होती हैं और बिना किसी लालच के और प्रलोभन के होती है तो इसका असर बहुत ही जल्द समाज में दिखाई देता है और समाज भी पुष्ट होता है और करने वाला भी पुष्ट होता है। अगर वहां पर कहीं पर स्वार्थ आ जाता है तो वो वहां पर कहीं ना कहीं तकलीफें, कहीं ना कहीं किस तरह की
गलतियां या फिर कुछ तरह के समाज में विघटन निर्माण होता है, तब संगठन खड़ा नहीं होता बल्कि तकलीफें खड़ी होती हैं। बहुत सही तरीके से आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बढ़िया भैया, राजफल जी। राजफल कौर जी, बढ़िया। तो जब हम 5 आयामों पे काम कर रहे होते हैं जी, जी सर, और हेलो सर, जी जी सर, बोल सकते हैं? हाँ बताइए। हाँ जी सर, सर जैसे मेरे को समझ आ रहा है, तो उस समझ में ऐसे लग रहा है कि अगर हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी को नर्चर करने की बहुत ज्यादा बन जाती है, तो जैसे जैसे हम लोग अपने इसको समझते हैं, इस कंटेंट को, तो समझने के बाद वो जो डिजायर्स हैं, जहां तक मेरा जो डिजायर्स तक मैं जो समझ आता है कि जो हम लोग मानने हैं, मान्यताएं हैं, उस मान्यताओं पर जो डिजायर्स हैं हमारी, उस पे हमें काम, जहां तक मेरे को लगता है उस पे अभी हमें काम करना है, और उसके बाद कुछ और हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सकेंगे, जब तक हम सेल्फ में इन चीजों को नहीं ला पाते। ठीक बात है, परंतु अपने आप में समझ को इंश्योर करने के लिए भी ना भागीदारी की आवश्यकता है। जब हम कहते हैं कि उसको जी कर देखें प्रस्ताव को, तो जितना हम फैल के भागीदारी करते हैं उतना हम उसको जी कर देख पाते हैं, उसका मूल्यांकन भी कर पाते हैं। जी सर, वो हाँ जी, जब तक हम जिएंगे वो एक प्रैक्टिस नहीं कर पाते ना, तो फिर हम वो इंश्योर भी नहीं हो पाते। फिर प्रैक्टिस करना कि यही हमारे लिए, मेरे को ऐसा लगता है कि इस पे ही काम हमें पहले बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तभी हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नियर अबाउट हमारे जो मेंबर्स हैं उन पे हम ऐसे उनकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हम उनको, वो हमसे वैल्यूज को समझेंगे अगर हम उस पे फॉलो अप कर रहे हैं, तो वो लोग ऑटोमेटिकली वो समझने लग जाएंगे, ऐसा लग रहा है जी। ठीक बात, ऑटोमेटिकली ना भी कहें तो हमारी भी कुछ भागीदारी होगी, उनका भी कुछ ध्यान आकर्षण होगा, तो समझने के स्वयं में सुनिश्चित करना ही मुख्य मुद्दा है। आप पाएंगे कि स्वयं में ही समय लगता है जो लगता है, ठीक है ना। अभी समाज में इतने लोग पहले से समझने के लिए तैयार बैठे हैं कि हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे। जी जी जी, पर वो हम लोग के ऊपर ही एक ऐसा है कि हम लोग जब अपने पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, वहां तक हम उनको आकर्षित नहीं कर पाएंगे। जी जी, ध्यान आकर्षण नहीं कर पाएंगे। ठीक बात है। हाँ जी हाँ, उनका ध्यान आकर्षण नहीं कर पाएंगे। सही सर। सर अभी जरा शब्दों का मेरे पास इतना वो नहीं है ना प्रैक्टिस। ठीक है तो, बढ़िया है। आप रोज हाँ मॉर्निंग सेशन में भी जुड़ रही हैं, हाँ जी, मीटिंग से भी आ रही है, बहुत अच्छी संभावना है जी। हाँ जी, वो शब्दों के लिए ना अभी मेरे ना ऐसे लग रहा है कि उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर। आपके पास तो बहुत सारा भंडार है, ऐसे लग रहा है कि हमारे पास भी अगर प्रैक्टिस करें तो शायद वहां तक पहुंच पाना कितना टाइम लगेगा ये सोचने को मेरे को ऐसे लग रहा है कि ज्यादा टाइम चाहिए शायद। कोई बात नहीं, देखिए समय हम सबके पास उतना ही है ना, धीरे धीरे हम उसका सदुपयोग बढ़ा देते हैं, इतना ही है। सर आपके कंटेंट में ना बहुत क्लैरिटी, हर चीज को लेके इमीडिएटली आप उस भाव को ना समझ के और एकदम से उसको सॉल्यूशंस बता रहे हैं, तो वो चीज में ना ऐसे लग रहा है कितना कॉन्फिडेंस है ना उस लेवल तक, कितना लेवल हाई हो गया है, तो उस लेवल पे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ हम लोग कितना कुछ समझ पा रहे हैं आपसे जी। और आगे आपको अब सत्र लेने हैं, आप तैयारी बना के रखिए। जी जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके अनिल जी, अनिल अलावा जी। नमस्ते डॉक्टर कुमार संभव जी। नमस्ते। आज और जो ना मैं शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो आपने एक बार रिकैप करवाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मैं समझता हूँ भैया कि जो है ना, जैसे अध्यापक भी हैं, तो हमने उनको एक बार समझाया कि जितने बच्चे हैं ये आप इनको अपना समझ के जब आप पढ़ाते हैं तो जो है ना रिजल्ट आएगा। और कैसे आएगा कि कोई आपका बच्चा भी कहीं पे पढ़ रहा होगा, वहां पे उसको भी कोई अध्यापक पढ़ा रहा है, तो वो भी ईमानदारी से पढ़ा रहा होगा, तो व्यवस्था बनती है।
तो आपने बहुत सुंदर तरीके से भैया इसमें बताया और व्यवस्था को ही डेवलप करने करेंगे और तब व्यवस्था बनेगी, तब मुझे मालूम है मैं भैया के पास जाऊंगा, मुझे समाधान मिलेगा ही मिलेगा। मैंने इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है, यहाँ पे मुझे बिल्कुल 100% मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया व्यवस्था बनाने के लिए, और हम पूरा कोशिश करेंगे कि जहाँ हम हैं उसको भी एक मॉडल के रूप में खड़ा करेंगे और चरित्र निर्माण करेंगे, संबंध भी बहते हुए नजर आएंगे और व्यवस्था में भागीदारी भी करेंगे। नमस्ते। बहुत बढ़िया भैया जी, बहुत बढ़िया। तो जब हम अभी हमने जितनी बात की, अगर हमें मान लो का लक्ष्य स्पष्ट होता है और समाज के आयाम स्पष्ट होते हैं, तो हमें दिखता है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप पूरे विश्व में व्यवस्था हो सकती है। तो परिवार में व्यवस्था हो पाती है, परिवार से परिवार समूह व्यवस्था हो पाती है, फिर परिवार समूहों के समूह जिसको ग्राम कह सकते हैं वहां व्यवस्था बन पाती है, फिर ग्राम समूह करते हुए अगर ऐसे 10 steps में देखें और एक परिवार में 10 लोगों को कहा जाए कि 10 लोग हैं, तो ऐसे 10 लोगों के परिवार को बना के परिवार समूह बनाया तो 10 अरब लोगों के विश्व की व्यवस्था की पूरी योजना बन सकती है। क्या लगता है, अप्रोच ठीक है कि नहीं है कि हम जीते हुए विश्व के 10 करोड़ लोग, अभी तो 7.5 करोड़ ही है ना, 10 करोड़ लोगों के लिए हम योजना बना सकते हैं कि नहीं? क्या लगता है, कहना ठीक है? इतनी दृष्टि तो फैलनी चाहिए अपने कि हम घर बैठे बैठे 10 करोड़ लोगों की योजना तो कम से कम बना पाए, क्रियान्वयन भी करते रहेंगे समय के साथ साथ। सुनील कुमार जी, 10 अरब जी, एक ऐसा था कि समाज के अंदर जितने 100% लोग हैं तो उसके अंदर से 70% पीपल आर फॉलोअर्स, और जो बचे हुए 10% लोगों के अंदर जिसकी संख्या ज्यादा होती है, सपोज अगर ये अच्छे लोगों का समूह अगर 16% से आता है तो 70% लोग उनको फॉलो करते हैं, और जो फॉलो नहीं करना है, देखिए ये जो कार्यक्रम है ना ये फॉलो करने का कार्यक्रम नहीं है, ये तो एक्सप्लोर करने का कार्यक्रम है, दोनों में बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। तो जब फॉलो कर रहे होते तो मान रहे होते अगले की बातों को, मानना नहीं है जांचना है, जी कर देखना है कि नहीं, उसमें कोई बहुत उपयोगिता नहीं है कि आज हम कार्यक्रम को इतना प्रभावी बना दें कि सब लोग अनुसरण करने लगे इसका, इससे कोई हल निकल कर नहीं आएगा, इससे समाज में कोई व्यवस्था नहीं बनेगी, है ना। इनफैक्ट मानने से कभी व्यवस्था बनती नहीं है, जानने से बनती है, मानने से फिर धीरे धीरे वो भेद में चला जाता है, समुदाय बन जाते हैं, है ना, और फिर आपस में हम एक दूसरे से अपने आप को अलग दूर महसूस करने लगते हैं, उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब जानने के लिए काम कर रहे होते हैं पूरे धरती को परिवार के रूप में देख पाते हैं, नहीं? सही सही बात जी, जी बढ़िया। सुनील भैया बढ़िया। तो ये 10 steps में हम पूरे विश्व की योजना बना सकते हैं, है ना, कि परिवार में व्यवस्था कैसे हो, परिवार समूह व्यवस्था कैसे हो, फिर उससे आगे बढ़कर व्यवस्था कैसे हो। अब इनमें से देखेंगे तो परिवार में कोई एक व्यक्ति होगा जो उस पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व करेगा, फिर वो प्रतिनिधि आपस मिलकर परिवार समूह का एक प्रतिनिधि चुन सकते हैं, फिर वो ग्राम का प्रतिनिधि चुन सकते हैं, फिर वो ग्राम समूह का प्रतिनिधि चुन सकते हैं, और करते करते पूरे विश्व के लिए हम एक 10 सोपानीय व्यवस्था बना सकते हैं। योजना के रूप में देखें तो मुख्य रूप से ये योजना है ना, जिसको लेकर हमें आगे चलने की जरूरत है, इन 5 आयामों में काम करने की जरूरत है, और सेवा इनको जोड़ता है आपस में। ये जो 10 steps में हमें आगे बढ़ना है और ये जो 5 dimensions है ना, इसको हम ठीक से आपस में कनेक्ट कर पाते हैं, जहाँ ह्यूमन गोल केंद्र में रहता है। तो अगर हम इसको और लेके चलें कि शिक्षा विधि से कैसे पूरा हो, तो एक तरीका है कि हम लोक शिक्षा के लिए काम करें, जो लोग जो फॉर्मल एजुकेशन है उसको पूरा कर लिए परंतु अभी सही कंटेंट उन तक नहीं पहुंचा, तो उनके लिए देखें तो लोक शिक्षा है, इससे शिक्षक माता पिता नीति निर्धारक सभी लोग गुजर सकते हैं, इससे एक अवेयरनेस का कार्यक्रम भी बढ़ता है। तो ऐसे कई वर्कशॉप चलाए गए हैं, अभी भी चल रहे हैं, इसमें समाज के भिन्न भिन्न लोगों के साथ आयामों में बड़े लोगों के साथ ऐसे वर्कशॉप्स ऐसे मीटिंग्स होती रही हैं,
विधिवत रूप से जब हम उसको शिक्षा तंत्र में लाते हैं तो शिक्षा संस्कार का कार्यक्रम तैयार होता है, जिसमें कुछ लोग जो समझ पा रहे हैं वो अन्य लोगों के लिए कोर्स करिकुलम विकसित कर पाते हैं, बच्चों के लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम निश्चित कोर्स विकसित कर पाते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स तैयार कर पाते हैं जिससे बच्चे ध्यान दे सकें अपने ऊपर काम कर सकें और बच्चों के सही शिक्षा संस्कार के लिए वातावरण तैयार कर पाते हैं। तो शिक्षा संस्कार का कार्यक्रम है। और उसके बाद देखें तो शिक्षा संस्कार से आगे बढ़ते हुए 5 आयाम और 10 सोपान में काम करने के लिए कार्यक्रम है कि जहाँ से हम एक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए निश्चित कार्यक्रम दे पाते हैं। तो अगर हम इसको ठीक ठीक पूरा कर पाते हैं तो परिवार से लेकर विश्व परिवार तक व्यवस्था को सुनिश्चित कर पाते हैं, एक मानवीय समाज को स्थापित कर पाते हैं ना। और इसमें भी देखिए, अभी हमको लगता है कि सब कुछ नए सिरे से करना है तो ऐसा नहीं है। समाज एक हद तक तो व्यवस्थित है ही, ठीक है ना। अभी भी हम घर से निकलते हैं तो ऐसा कोई भय नहीं होता कि कोई हमारे ऊपर बम पटक देगा, गोली मार देगा, ऐसा तो है नहीं। निकलते हैं, घूमते फिरते हैं, ठीक। मेट्रो में आप देखिए तो इतने लोग भरे हुए हैं और सब बेफिक्र रहते हैं कि कोई किसी की जेब नहीं काट रहा। तो इतना अभय तो अभी भी समाज में है, ठीक। उसको और जो शेष उसको पूरा करना है। तो परिवार से लेकर पूरे विश्व परिवार तक के लिए योजना बनाई जा सकती है। अभी अगर हम सिर्फ लोक शिक्षा के लिए काम करें तो उसका 10 साल में हम एक व्यक्ति को जोड़ पाए, अगले 10 सालों में वो 10 लोगों को जोड़ पाए और 100 सालों में इस तरह से 1000 करोड़ लोग इसमें तैयार हो सकते हैं। शिक्षा संस्कार का कार्यक्रम अगर बन जाता है तो और कम समय लगेगा, और यदि हम समाज के हर आयाम पे काम कर पाते हैं तो और कम समय लगेगा। अभी हम कहाँ खड़े हैं उसका एक आकलन करने की जरूरत है। तो अभी लोक शिक्षा कार्यक्रम जब ये शुरू का दौर देखे तो उसमें खूब चला, उससे जो नीति निर्धारक थे, शिक्षक थे, वो तैयार हुए, जब वो शिक्षा संस्कार में आ पा रहा है। तो अभी हमेशा अधिकांश साथी जो हैं वो शिक्षा संस्कार कार्यक्रम से जुड़े हुए, उसमें भी देखें तो हायर टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए ज्यादा लोग हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हुए लोग भी हैं, स्कूल एजुकेशन से जुड़े हुए लोग भी हैं, और अभी हम काम कर रहे हैं और इसको और पुष्ट करने की जरूरत है। तो अभी हम लोगों ने हायर टेक्निकल एजुकेशन के लिए करिकुलम बनाया, एक वैल्यू एजुकेशन का कोर्स आया, फिर उसके बाद स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद देखें तो कुछ माइनर डिग्री के कोर्सेज भी आए हैं। अब उसके बाद जो काम है करने का कि हम इसको मूल्य आधारित शिक्षा बना पाए, तो शिक्षा संस्कार में एक पर्याप्त स्कोप है। ये तो सिर्फ हायर टेक्निकल एजुकेशन की बात है, एजुकेशन के दूसरे प्रोग्राम्स में अगर देखें हायर एजुकेशन में तो उसमें भी एक काम हो सकता है, और फिर प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक, तो इसमें पर्याप्त रोल है, पर्याप्त भागीदारी हम सबके करने के लिए, है ना। इसको हम जितना सटीक ढंग से कर पाएंगे ये आगे का जो काम है और आसान होगा। एक बार शिक्षा में ठीक से काम होने लगे तो शिक्षा से लोग निकलकर न्याय व्यवस्था में जाएंगे, उत्पादन करेंगे, विनिमय करेंगे, है ना। उनमें से हर एक आयाम में व्यवस्था सुनिश्चित करना हो सकता है। और यदि हम उसको स्टेप बाय स्टेप परिवार से लेकर विश्व परिवार तक लेके चलें तो जिस रूप में हम अभी प्रशासन कर रहे हैं उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है। तो अगर परिवार व्यवस्थित हो तो अभी क्या हुआ कि हम अभी सिस्टम में बैठे हैं हम सभी लोग, है ना। सिस्टम में दो तरह से हम काम कर सकते हैं, एक तो सिस्टम के लोगों को समझदार बनाने के लिए काम कर सकते हैं, या दूसरा सिस्टम में जो नासमझी है उसे निपटने के लिए काम कर सकते हैं। अभी आप देखिए तो अभी हमारा ज्यादातर समय कहाँ लग जाता है, जैसे अभी हम सिस्टम में काम करते हैं और आप देखिए कि सिस्टम में जो नासमझी है उससे निपटने में, उससे उलझने में हमारा कितना समय लग जाता है। और इसलिए लगता है क्योंकि हम सिस्टम में बैठे हुए लोगों को समझदार बनाने काम नहीं कर पा रहे। अगर वो काम सिस्टमेटिकली हो पाए, विधिवत हो पाए, तो ये जो नासमझ लोगों से उलझने का काम है वो कम से कम हो जाए, क्योंकि उनकी भी चाहना तो ठीक है, उनके अंदर क्षमता भी है समझने की, उनके समझने का कार्यक्रम भी वही है जो हमारा है ना, परंतु उनको समझने के लिए हम निश्चित कार्यक्रम नहीं दे पा रहे। तो अभी भी आप देखिए हम ऑफिस में काम करते हैं, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, उसमें लोगों की नासमझी से निपटने में हमको बहुत सारा समय लग जाता है। और यदि हम उनके समझ के लिए कार्यक्रम ना बनाए तो वो समय लगता ही रहता है और हमारी बहुत सारी ऊर्जा व्यर्थ जाती है। ये बहुत जरूरी है कि ये जो 1 और 2 है इसको अगर हम ठीक से करें तो 3 का काम आसान हो सकता है, यानी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए जो किया जाने वाला काम है वो आसान हो सकता है। ऑफिस में आप देखिए कि लोगों की नासमझी से उलझने के लिए, है ना, या उनको नियंत्रित करने के लिए हमको कितना सारा समय और प्रयास लगाना पड़ता है। वही समय और प्रयास यदि हम समझ के लगाएं
तो जो सिस्टम है वो स्वव्यवस्थित हो सकता है, स्वनियंत्रित हो सकता है, उसके लिए हमको इतना अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। इस पे यदि है ना हम और ध्यान दें तो इससे बहुत सारा समझ बनती है, इससे दृष्टि खुलती है, इससे हमको रास्ते निकलते हैं, समाधान निकलता है ना। अभी कॉलेजेस में देखें तो जैसे आप ऊंचे पद पे जाते हैं आपका बहुत सारा समय एडमिनिस्ट्रेशन में लगता है, और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारा समय लोगों की नासमझी से निपटने में लगता है, और हमको उसकी कोई सीमा भी नहीं दिखाई देती, लगता है जब तक सिस्टम में है तब तक ये सब चलता रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों को समझदार बनाने का कार्यक्रम हमारे पास नहीं है। अगर उस कार्यक्रम को हम सुनिश्चित कर पाए है ना, तो ये सारा समय बच सकता है। अगर हम इस विधि से चल पाए, शिक्षा पे हम ठीक से काम कर पाए, तो उससे हमारा आचरण ठीक होता है, हम दूसरे के आचरण को सही करने, मानवीय करने में भागीदार हो पाते हैं। और ऐसे जब लोगों की एक तैयारी हो जाती है तो संविधान में भी हम परिमार्जन कर पाते हैं। तो फिर जहां लोगों की नासमझी से निपटने के लिए बहुत सारे हमको उपाय करने पड़ते हैं, उसके स्थान पर लोगों में समझ कैसे विकसित हो उसके लिए हम विधि दे पाते हैं। जैसा कई बार ऐसा देखने में आता है कि जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते जाते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर जो अधिकार का सेंस है वो बढ़ता जाता है और जो कर्तव्य का सेंस है वो घटता जाता है। तो आपको कॉलेज में भी दिखाई देगा कि बच्चों के अंदर ये अधिकार का जो सेंस है ना, कि फैकल्टी ऐसे होने चाहिए, क्लासरूम ऐसे ना, फैसिलिटीज ऐसी होनी चाहिए, ये तो एक सेंस बढ़ता जाता है, बट उनको क्या करना है ये सेंस घटता जाता है। तो अभी अगर इस तरह से चलें तो संविधान भी हमको ऐसा बनाना पड़ता है कि कैसे लोगों को अधिक से अधिक नियंत्रित करते जाएं, क्योंकि लोगों के अंदर अधिकार का सेंस तो बढ़ता जा रहा है, कर्तव्य का सेंस घटता जा रहा है। अभी हम बहुत सारा समय ऊर्जा वहां पर लगाते हैं, परंतु यदि हमको अपनी भागीदारी स्पष्ट हो, कर्तव्य का मतलब ही क्या है, भागीदारी, और अधिकार हमको दिखता है कि स्वयं ही हमको सहज से उपलब्ध हो जाते हैं, अगर हम भागीदारी ठीक विधि से कर रहे हैं सिस्टम में सही समझ के आधार पर, तो हमारे अधिकार वहीं से परिभाषित होने लगते हैं। इस विधि से हम चलते हैं तो समाज में एक मानवीय व्यवस्था स्थापित हो जाती है। अभी भी आप देखें तो कॉलेजेस में जहां पे भी ठीक से लोगों ने वर्कशॉप कर लिया, वहां आपस में बहुत सारा टसल कम हुआ है, बहुत सारा जो परस्परता में श्रम कर रहे थे वो घटा है, समस्याएं घटी हैं, है ना, और एक दूसरे प्रति संबंध का भाव बढ़ा है। कॉलेज सिंपली एक ट्रेनिंग सेंटर नहीं है बल्कि समाज की व्यवस्था का केंद्र है। कॉलेज मेयरली एक हमारे लिए सुविधा उपार्जन करने का साधन नहीं है, पैसा कमाने का साधन नहीं है, परंतु एक हमारे लिए भागीदारी का साधन है समाज की व्यवस्था में, ऐसी हमारी एक दृष्टि बन पाती है। तो इस रूप में चलते हुए हम एक मानवीय परंपरा को देख पाते हैं, किस विधि से अगर हम चलते गए मानवीय शिक्षा के लिए काम करते हुए तो एक मानवीय परंपरा स्थापित हो सकती है। एंट्री पॉइंट देखें तो एजुकेशन है। तो जी डॉक्टर शीला मिश्रा जी, नमस्कार भाई साहब। इसमें बहुत अच्छे सुझाव भी हैं, परंतु जिस प्रकार से अपने यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासनिक व्यवस्था इस समय जिधर जा रही है, वो हमें लगता है कि समझ के बजाय दबाव बना करके कार्य लेने की पद्धति पे ज्यादा है। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि टीचर्स को बायोमेट्रिक के द्वारा मॉनिटर किया जाना, या इतने घंटा वहां बैठने के लिए मॉनिटर किया जाना, क्या यह उचित नहीं होगा कि उन शिक्षकों के लिए इसी प्रकार की वर्कशॉप करा के उनमें दायित्व बोध, उनकी भूमिका के निर्वहन के प्रति सचेत किया जाना, और स्वयं अगर वो कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे तो एक स्टूडेंट्स के लिए जो उनको वॉच कर रहा है, या गैर शिक्षणेतर कर्मचारी जो उनको वॉच कर रहे हैं, उन पर भी एक अच्छा संस्कार, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बजाय इसके कि उनको ये देखते हुए कि किसी और काम के लिए निकले और अटेंडेंस लगा दी, फिर किसी और काम के लिए निकल जाते हुए फिर अटेंडेंस लगा दी। तो इससे तो लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके जो कार्य पर दबाव बनाने का प्रयास चल रहा है, और संस्कार और चरित्र पर अच्छे से काम नहीं हो पा रहा, मूल्यों पर। तो इस पर किस तरह से मतलब हम लोग काम कर सकते हैं कि ये व्यवस्था मानवीय मूल्यों पर आधारित हो जाए, प्रशासन भी मानवीय मूल्यों पर आधारित हो जी। तो उसी के लिए तो हम एकत्र हुए हैं,
जी 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 बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसका कुछ प्रपोजल कैसे मतलब जा सकता है कि दिशा सही हो जाए, बाकी तो धीरे धीरे कार्य होगा ना। देखिए, दिशा सही होने के लिए एक तो हमारी अपनी स्वयं में स्पष्टता हो, हम भी एक सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच के साथ चले, ना कि प्रॉब्लम सेंट्रिक, एक आवश्यक भाग तो ये है। दूसरा, आपको दिखेगा कि सिस्टम में कहीं ना कहीं अवसर उपलब्ध रहता है, तो हम जितना फैल कर भागीदारी करने जाते हैं हमें नए नए अवसर दिखते जाते हैं। तो आज के दिन भी देखें तो शिक्षा में सिस्टम ने इतना अवसर तो दे दिया है, जिसको सदुपयोग करना भी एक बड़ा काम है, उसके लिए बहुत सारी तैयारी चाहिए। जैसे अभी AICTE ने ही अपने 10,000 कॉलेजेस के लिए प्रोविजन क्रिएट कर दिया है, अगर हम इन 10,000 कॉलेज में इस एजुकेशन को इफेक्टिव बना पाए, हम इंडक्शन प्रोग्राम को या सेकेंड ईयर के कोर्स को या माइनर डिग्री को इफेक्टिव बना पाए, उससे ही बहुत सारा परिवर्तन दिखाई देगा। अगर इफेक्टिवली हम सुकन रख, बट इफेक्टिव बनाने के लिए जो अपनी तैयारी है उसको हमको और बढ़ानी पड़ेगी, कई गुना बढ़ानी पड़ेगी। तो अवसर तो है सिस्टम में, वैसे आप देखें कि और भी कई अवसर खुले हैं। अभी स्कूल एजुकेशन में भी ले जाने की बात है, NCERT के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि इसको स्कूल्स में लागू करिए, UGC में बात हुई है कि इसको कॉलेज में, सारे कॉलेज में लागू करिए। तो सिस्टम में अवसर की कमी नहीं है ना, जो कमी है वो ये है कि लोग और कैसे तैयार हों, ताकि हम लोग जहाँ जहाँ अवसर मिल रहे हैं उनका हम सदुपयोग कर पाएं। प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में भी MP में अवसर बन गया है, तो अवसर तो बनते जा रहे हैं है ना सिस्टम में, उसे सदुपयोग करने की बारी है। जी जी, ये जो HRDC सेंटर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स हैं यूनिवर्सिटीज में, क्या उनके पास भी ऐसा प्रपोजल गया हुआ है कि ऐसे मानवीय मूल्यों पर आधारित इस प्रकार की वर्कशॉप कराई जाए? ये तो एक बार देख सकते हैं HRDC में गया है कि नहीं, परंतु AICTE में गया है, UGC में गया है ना, और NCERT में भी जाने की बात है, तो जो टॉप गवर्निंग बॉडीज है वहां तो चला गया है। और वहां से विश्वविद्यालयों तक आने का फॉलो अप किया जाना है या कुछ उस पर सूचना है अपडेट से? ये जो थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स हैं ये थोड़ा बाद में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, उस पर सूचना ले सकते हैं कि अभी क्या स्टेटस है। धन्यवाद भैया। बढ़िया दीदी, तो अगर एजुकेशन की बात करें तो दिखता है कि बेसिकली मुख्य मुद्दा तो व्यक्ति में सही समझ सही भाव का विकास है, ताकि उसके अंदर उसके अनुरूप जीने की एक तत्परता, एक निष्ठा बन जाए। उसके क्रम में फिर जो भी स्किल्स अक्वायर करने हैं, जो भी टेक्निकल नो हाउ चाहिए उसको ले पाए, जो ट्रेनिंग चाहिए वो ले पाए। और इसीलिए जरूरी है कि शिक्षा में परिमार्जन हो, ताकि शिक्षा मानवीय बने ना? और इस मानवीय शिक्षा से ही हमें अभी तक जितनी बात हुई उसकी पूरी क्लैरिटी बन पाती है। और शिक्षा का मतलब खाली पढ़ना लिखना नहीं है, ये बात हमको समझ में आए, तो शिक्षा का मतलब पढ़ना लिखना नहीं है, पढ़ना लिखना उसका एक भाग है, उसको इनेबल करता है समझने को कि नहीं। तो इसलिए ये जो दृष्टि है हमारी शिक्षा के प्रति, शिक्षा का मतलब पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना पर्पज पैसा कमाना, उस पूरी दृष्टि में परिमार्जन की जरूरत है। और इसमें आप पाएंगे कि शिक्षा में अगर प्रोविजन हो भी जाए ना, तो जो पेरेंट्स हैं, जो माँ पिता हैं, अभी उनकी भी ऐसी दृष्टि नहीं बन पा रही है। तो अपने को दिखता है कि शिक्षा में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम कल के पेरेंट्स, कल के टीचर्स, कल के पॉलिसी मेकर सबको तैयार कर रहे होते हैं। यदि स्कूल में भी हम काम कर रहे हैं तो जरूरी है कि हम स्कूल में जिन जिन अभिभावकों के बच्चे आकर पढ़ रहे हैं उनके साथ हमारा संवाद हो, कॉलेज में हम पढ़ा रहे हैं तो कॉलेज में जिन पेरेंट्स के बच्चे आ रहे हैं उनके साथ हमारा संवाद हो, है ना, ताकि एक शिफ्ट मिल सके एक विजन में। तो मानवीय शिक्षा का मतलब यही हुआ कि जीने के हर स्तर पर व्यवस्था की समझ होना, है ना, ताकि हमारी इतनी योग्यता बन पाए कि हम उसके अनुरूप जी पाए। और इस क्रम में अभी तक जितना भी परंपरा में प्रयास हुआ है उन सबको हम मूल्यांकन कर सकते हैं। इसमें हम जो मूल्य हैं उसको केंद्र में रखते हैं, उसके साथ हम सही स्किल्स को चुन पाते हैं। अभी आप देखिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो लोग डेवलप कर रहे हैं अभी उन्हीं को खतरा दिख रहा है। अभी एलन मस्क का भी एक मैसेज आने लगा है कि ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है, इसको नियंत्रित करना जरूरी है। तो अभी हम जिस तरह से ह्यूमन बीइंग को मशीनों से रिप्लेस कर रहे हैं, जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं ना, वो अगर हमने इसको नियंत्रित ढंग से नहीं किया तो उसका दुरुपयोग ज्यादा होगा। तो उसके साथ ये होगा कि जो सुविधा की आवश्यकता है उसकी पहचान और बिगड़ेगी लोगों की, और जो उत्पादन तंत्र है वो भी बिगड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आज के दिन कम से कम कि इन सर इस तरह के कंटेंट पे ठीक से बात हो और उसको हम ठीक से शिक्षा में समायोजित कर पाए,
नहीं तो अभी प्रतिस्पर्धा के लिए, क्योंकि एक देश ने एआई पे काम कर लिया तो हमको भी करना है, एक कंपनी ने काम कर लिया तो हमको भी करना है ना, एक एम्प्लॉय एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ करके एआई इस्तेमाल कर लिया तो हमको भी करना है, तो इससे तो संघर्ष बढ़ेगा समाज में। तो शिक्षा को मानवीय करना बहुत आवश्यक है, इससे जांच पर की प्रक्रिया तो बढ़ेगी, उससे ये भी होगा कि जो हमारी स्वयं सहज स्वीकृति है ना वो हमारे जीने में आता, और फिर इससे आगे चलकर एक मानवीय संविधान तक पहुंच पाता है। अभी देखें तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें इन बातों को समावेश किया गया है, ये एक तरह से देखें तो संविधान में ही इंटरवेंशन की तरह है, ये कम से कम नीतियां तो बनने लगी। आज से 20 साल पहले देखें तो इस बात पे प्रश्न चिन्ह होते थे कि क्या मूल्यों को पढ़ाया जा सकता है, क्या क्लासरूम में मूल्यों को पढ़ाया जा सकता है, अब सभी कह रहे हैं बिल्कुल पढ़ाया जा सकता है, और उसको विधिवत कैसे पढ़ाया जाए उसकी योजनाएं बन रही हैं। एक बहुत बड़ा शिफ्ट तो मिला है समाज में, नैक एनबीए सब में भी इसको स्थान दिया गया है। अब अगर हम इसको ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, कैसे उसको हम क्रियान्वित करेंगे एक योजना के रूप में, तो सबसे पहला काम है कि जैसे अभी हम जितने साथी जुड़े हैं हमारा स्वयं में तो परिमार्जन हो, तो हम स्वयं में परिमार्जन कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए वर्कशॉप्स हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रहे हैं, सुबह का जो सत्र है उसके फोकस में यही है कि हम व्यक्तिगत रूप से अपने आप में परिमार्जन को सुनिश्चित कर पाए। फिर उसके साथ एक मास अवेयरनेस डेवलप हो पाए हमारे वातावरण में हमारे आसपास। तीसरा कि उसमें हम मेन स्ट्रीम एजुकेशन में कोर्सेज को ला पाएं और उसको वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का रूप दे पाए। और चौथी बात अगर कहें एजुकेशन के टर्म्स में तो ये है कि जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो होलिस्टिक लिविंग के केंद्र बने, मॉडल्स बने, और वैसे कम्युनिटी में भी होता है, मोहल्ले में, गांव में, समाज में ऐसा सुनिश्चित हो पाए। ये चार स्टेप्स हमने पिछली बार ही बात की थी, इसको थोड़ा हम लोग और अभी थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी देखें तो हमारी स्थिति कुछ ऐसी हो सकती है कि जीव चेतना में जी रहे हैं और सुविधाओं में उलझे हुए हैं, जैसे समाज की ऐसी स्थिति बनी हुई स्थिति जो नीचे है, इससे हम परिमार्जन करके ये जो वांछित स्थिति यहाँ पहुंच पाए, ताकि हम स्वयं में मानव चेतना को इंश्योर कर पाए, समाज में मानव लक्ष्य को इंश्योर कर पाए। और हम सभी इस काम में लगे भी हुए, अभी हम संडे का दिन मिला है ना, उसमें भी हम 2 घंटा यदि समय दे रहे हैं इस चीज़ के लिए, इसका मतलब कि हमारी प्रेरणा तो बन पाई है इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ये कहना ठीक है कि नहीं? आप सभी इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रायोरिटी को देख पा रहे हैं तभी आज इस सत्र में जुड़े हैं, ये कहना ठीक है? नहीं ठीक है जी, अमोल जी कह रहे हैं ठीक है जी, बहुत अच्छा। तो हम सभी इसके लिए काम कर रहे हैं, है ना, इसमें हम जितना और भागीदारी बढ़ाएंगे अपनी मानवीय समाज के क्रम में उतना हमारा स्वयं में परिमार्जन होगा, और जितना स्वयं परिमार्जन होगा उतना हम सटीक भागीदारी कर पाएंगे। तो ये जो स्वयं में हम परिमार्जन के लिए काम करते हैं वो परस्परता में परिमार्जन करता है, परस्परता में जो परिमार्जन होता है वो स्वयं परिमार्जन में सहयोग करता है। दूसरा जो काम है कि हम मास अवेयरनेस डेवलप करें, तो जैसे हम जैसे अभी सुबह के सत्र में भी चर्चा होती है तो कई सारे मुद्दे आते हैं जो हमारे परिवार से जुड़े हैं, मित्रों से जुड़े हैं, और कई बार लगता है कि क्या हम इनको ट्रांसफॉर्म कर भी सकते हैं या नहीं, क्या इनका अभी तक जो मान्यताएं बनी हुई है उसके साथ ही हमको एडजस्ट करना पड़ेगा या इसमें हम कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। तो एक मास अवेयरनेस की जरूरत है फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। अब तो जो हमारा एक सहज रूप से परिवार बना हुआ है उसमें हार्मनी कैसे बढ़े, उसमें लोग कैसे अपने आप में एक्सप्लोर करना शुरू करें, कैसे हमारे संबंध पुनर्परिभाषित हों, जो भी मान्यताओं पर या संवेदनाओं पर आधारित है उसके स्थान पर सही समझ सही भाव पर आधारित हो। अभी जो हमारी पुरानी मित्र मंडली है ना, जिससे अब हमको प्रश्न करने में बात करने में संकोच लगता है, ऐसा कई बार शेयरिंग आता है, मॉर्निंग सेशन में भी आता है कि पुराने मित्रों का क्या करें, अभी वो लोग वहीं फंसे हुए हैं, हम निकल पा रहे हैं ना, उनको ड्रॉप कर दें या उनके साथ रिलेशन को कंटिन्यू करें। तो अल्टीमेटली आप पाएंगे कि इस पे तो काम करना जरूरी है कि हम परिवार के सदस्यों तक भी सही प्रस्ताव पहुंचा पाए और मित्रों तक भी सही प्रस्ताव पहुंचा पाए। फिर उसके बाद ये भी है कि ऐसे कई लोग हैं समाज में जिनमें दिखता है कि वो समाज में परिमार्जन के लिए पहले से इच्छुक हैं, है ना, कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपने एंड पे, तो कैसे हम उन तक सही प्रस्ताव पहुंचा पाए। कोई प्रकृति को लेकर कुछ काम कर रहा है, कोई स्वास्थ्य को लेकर कोई काम कर रहा है, सामाजिक न्याय को लेकर कुछ काम कर रहा है, तो ऐसे सामाजिक बहुत सारे उपाय कार्यक्रम दिखाई देते हैं, हम उन तक पहुँच पाए और उन तक हम इस वस्तु को पहुंचा पाए। तो शिक्षा में बात करें तो शिक्षक हैं, है ना, नीति निर्धारक हैं, शिक्षण संस्थानों को चलाने वाले मालिक लोग हैं, बहुत सारे लोग जो इसको चला रहे हैं,
जिनका ओनरशिप है, उसमें शिक्षा तंत्र को चलाने वाले प्रशासनिक लोग हैं, उन तक भी वस्तु कैसे पहुंचे। तो जैसे देखें तो पहले FDP शुरू हुआ, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर SDP शुरू हुआ, स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर उसके बाद LDP लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, MDP मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे नए नए कार्यक्रम निकल कर आ रहे हैं। तो शिक्षा तंत्र में इसको प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि शिक्षा तंत्र से जुड़े जो भी लोग हैं, है ना, उसमें एक कार्यक्रम और जुड़ेगा आगे, PDP पेरेंट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं कॉलेज में उनका भी डेवलपमेंट हो। क्या लगता है, जरूरी है नहीं है ये हर तरह का जो प्रोग्राम है, जरूरी है कि नहीं? तो लीडर्स भी डेवलप हो, मैनेजमेंट भी डेवलप हो, पेरेंट्स भी डेवलप हो, है ना, स्टूडेंट्स भी डेवलप हो, टीचर्स भी डेवलप हो। तो शिक्षा में इतना फैल के तो काम करना जरूरी है। फिर जो लोग प्रशासन में बैठे हैं, है ना, उनके साथ बात होना जरूरी है। अभी दिखता है कि वर्कशॉप में कई बार प्रशासन में बैठे हुए लोग भी आते हैं। अगर सिटी की बात करें तो जो सिटी का प्रशासन है, DM, SDM, ADM, इस तरह के लोग, अगर हम उनको भी इनवाइट कर पाएं वर्कशॉप्स में, उनका भी ध्यान जाए, तो वहाँ की स्कूली शिक्षा को सपोर्ट करेंगे। स्टेट लेवल पे जो गवर्नेंस है, अगर वहाँ के लोग आकर बैठते हैं, बहुत सारे IAS ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD होते हैं शिक्षा के लिए, तो उनके साथ भी चर्चा होनी जरूरी है ताकि वो लोग नीतियों में इसको शामिल कर पाएं। अच्छी बात तो यह है कि NAC में 1000 पॉइंट्स में से 100 पॉइंट तो मूल्य शिक्षा को दिया गया है, तो उससे भी गवर्नेंस का बहुत ध्यान गया है ना, एक्सटेंशन एक्टिविटीज को की ओर ध्यान गया। इनफैक्ट आप देखें तो NAC में क्राइटेरियन 3 में रिसर्च एंड एक्सटेंशन एक्टिविटी रखा गया, यानी कि खाली आप रिसर्च में गुम ना हो जाए, खाली रिसर्च करने में ही आपका सारा समय ना चला जाए, एक्सटेंड कितना किया आपने, जो आपने रिसर्च किया उसको समाज तक आपने कितना विधिवत पहुंचाया, क्या समाज के विकास उत्थान के लिए आपने कुछ किया कि नहीं, इस पर भी ध्यान दिया। तो आप देखिए सिस्टम में कितना प्रोविजन ऑलरेडी है, एक्सटेंशन एक्टिविटी से बहुत जुड़ रहा है। यूपी में खासतौर पर मैं देखता हूँ कि जो कई बार ऐसे आदेश आते हैं ना प्रशासनिक, जिसमें आपको दिखाना होता है, जैसे अभी TB दिवस मनाया गया, तो हर कॉलेज के लिए ये निश्चित है कि वो इतने TB पेशेंट्स को अडॉप्ट करे, इतने आंगनबाड़ी अडॉप्ट करे, इतने गाँव को अडॉप्ट करे, इतने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा कैसे दी जाए उसके लिए काम करे। तो ये गवर्नेंस की तरफ सपोर्ट मिल रहा है, तभी तो ये सब इनिशिएटिव भी आ रहे हैं। उन्नत भारत अभियान में गाँव को बेहतर बनाने के लिए काम है, तो प्रोविजन तो बहुत सारा है, ठीक है ना। हाँ, उतना जरूर है कि जब शिक्षा तंत्र ज्यादा व्यवस्थित ढंग से चलता है तो हम सहज रूप से इसको कर पाते हैं, नहीं तो कई बार हमको ये एक बोझ जैसा या एक बहुत अलग से कार्यक्रम जैसा दिखाई देता है। फिर अपने कलीग्स के साथ जहाँ हम काम कर रहे हैं वहां पे चर्चा होना जरूरी है। फिर अगर हम मेन स्ट्रीम एजुकेशन में इसको वैल्यू बेस्ड बनाने जाते हैं, तो SIP और सेकेंड ईयर कोर्स तो चल रहा है, उसके बहुत सारे और कोर्सेज को शामिल कर सकते हैं। माइनर डिग्री अभी आ गया है, तो माइनर डिग्री के कोर्सेज जहाँ लिस्टेड हैं उसके लिए हम फैकल्टी तैयार कर सकते हैं। तो अभी जैसे मॉर्निंग सेशन में हम लोग UHV 3 रन कर रहे हैं, है ना, ये UHV 4 है, 5 है, 6, 7, 8, अभी इतने सारे कोर्सेज बचे हुए हैं, तो इतना सारा तो काम बचा हुआ है करने के लिए कि नहीं। तो इस तरह के कोर्सेज और इफेक्टिवली रन कैसे हो ताकि बच्चों में सही समझ विकसित हो, बच्चों का सही की ओर ध्यान जाए। फिर उसी क्रम में देखें तो MHRD है, UGC है, जिसमें अभी दीदी कह रही थी, AICT है, ICMR है, इन सारे काउंसिल्स बोर्ड्स में बात होनी जरूरी है, है ना। फिर इसी क्रम में देखें तो जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जिस पर उन्होंने बात की, जो ह्यूमन वैल्यू रिसोर्स सेंटर्स हैं ऐसे डेवलप करना, नेशनल कॉन्फ्रेंसेज, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज करना, ये सब योजनाओं में शामिल है। फिर इस पर बहुत सारा R&D हो सकता है, है ना, जैसे अभी आप देखिए हैप्पीनेस इंडेक्स जिस तरह से विश्व भर में बनाया गया है, वो दिखता है कि उसमें बहुत सारा सुधार की गुंजाइश है। तो इस पर R&D जरूरी है कि हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बने, है ना, कैसे वो जो कमियां हैं उसको हम दूर कर पाए, तो R&D की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है ना, खासतौर पर ह्यूमैनिटीज में बहुत सारी आवश्यकता है। फिर उसके बाद जो अगला कार्यक्रम बनता है कि हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कैसे हम मॉडल बना पाए, समाज की व्यवस्था के केंद्र बना पाए, है ना। तो इसमें अभी जो कॉलेज में R&D हो रहा है वो सुविधाओं को लेकर ज़्यादा हो रहा है, टेक्नोलॉजी को लेकर, साइंस को लेकर ज़्यादा हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हो इसके लिए कम हो पा रहा है, तो ये पूरे R&D को भी शिफ्ट करने की जरूरत है। और इसमें कई कॉलेज में गंभीरतापूर्वक काम भी हो रहा है, ऐसे देश में पहले UP में कुछ कॉलेजेस ही थे जो एक मॉडल बनने का प्रयास कर रहे थे, अभी देश के अन्य राज्यों में भी ऐसे कॉलेजेस उभर कर आने लगे हैं। अभी जहाँ जहाँ हम लोग
रीजनल कॉन्फ्रेंसेस या नेशनल कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं वहां पे भी एक ऐसी गंभीरता दिखाई देती है, ऐसे और बहुत सारे संस्थान तैयार हो रहे हैं। तो पूरी योजना के रूप में देखें तो इतनी बात है कि एक तो समाज की अभी जो वर्तमान स्थिति है वहां से मानवीय समाज में परिमार्जन की आवश्यकता है, और उसके लिए दो अप्रोच ले सकते हैं, एक तो समस्या केंद्रित और एक समाधान केंद्रित। तो दिखता है कि समाधान केंद्रित अप्रोच ही हमको सहज से स्वीकार होता है, और जब समाधान केंद्रित अप्रोच को लेकर चलते हैं हमको मानव लक्ष्य की स्पष्टता होती है, मानव लक्ष्य को पूरा करने के लिए समाज के भिन्न भिन्न आयामों की स्पष्टता होती है, कैसे पूरा विश्व एक समग्र व्यवस्था के रूप में स्थापित हो सकता है उसकी स्पष्टता बनती है, मानवीय परंपरा की स्पष्टता बनती है जिसमें शिक्षा आचरण संविधान व्यवस्था की स्पष्टता होती है। और फिर इसको जब पूरा करने जाते हैं तो शिक्षा तंत्र में क्या क्या काम करना है ना उसकी स्पष्टता होती है। तो मेरे अनुसार इतनी बात थी।